Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर प्रेजेंट हो गया फ्रेंड्स. आज हम लोग एक पतंग बनाने वाले हैं और वो पतंग जो है इस सीट के ऊपर बनाएंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को विश करना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी. और फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी है और आज जो है मंदिरों में बहुत भीड़ होगा, तो मैं भी मंदिर जाने वाला हूँ. थोड़ी देर में मैं मंदिर जाऊँगा, तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने सोचा कि एक सीट की पतंग बनाऊँ और बना करके आप लोगों को दिखा दूँ. और ये थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी मैं बनाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे को मंदिर भी पहुँचना है और वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होगी, तो लाइन वगैरह में लगना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, इसकी मैंने कटिंग कर ली है. कटिंग कैसे करी मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, इस तरह का ये मेरा पुराना फरमा है, बहुत प्यारा. अभी ये घिस चुका है, फरमे को भी बदलना पड़ेगा. और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने फरमा रख करके इसके ऊपर और चारों तरफ से निशान लगाया हुआ है पेंसिल से, जैसे ये पेंसिल या पेन, इस तरह से सारा निशान लगा करके फिर उसके बाद मैंने कटिंग करी है. और कटिंग करी तो कैसा निकला, कटिंग करने के बाद हमको ऐसा मिलता है. ये देखिए, जब मैंने कटिंग कर ली, ये पहले से ही कटिंग करके रख लिया ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो. और ये देखिए, ये कटिंग करके रखा हुआ है मैंने, और इसकी भी कटिंग कर ली फ्रेंड्स. ये ब्लैक सीट है, जैसे ये आपका जो है सी ग्रीन कलर है, और बिल्कुल ऐसे समुद्र का रंग ऐसा ही होता है. और हमारे यमुना का भी रंग ऐसा ही होता है, यमुना जी का रंग भी इसी कलर का ही है. अगर आप इलाहाबाद संगम देखने जाएंगे, अगर आप वहाँ पे जाकर के यमुना को देखेंगे, तो यमुना भी इसी कलर का ही है. और फ्रेंड्स, ये एक डिज़ाइन बनाऊँगा, डिज़ाइन की कटिंग भी कर ली है मैंने. लेकिन और पूँछ की भी कटिंग कर ली. पूँछ की कटिंग तो खैर बहुत आसान है, ये आप देखिए, ये डबल पूँछ की कटिंग हुई है. ये इस तरह से फोल्ड करके इसमें लग जाएगा पतंग में फ्रेंड्स. अब इसमें हम लोग जो है फटाफट जो है कमान और ठड्डा लगाएंगे, कमान ठड्डा लगा करके जोड़ेंगे. मेरा कमान ठड्डा हमेशा इसके तरह अंदर रहता है. और ये देखिए, ये हमने वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर से इसको हमने पेंट किया हुआ है, और बहुत ही अच्छा कमान ठड्डा है और लाइफ लॉन्ग चलने वाली है ये, और ख़राब नहीं होगा. इसमें ना तो घुन पकड़ेगा, ना दीमक लगेगा, कुछ नहीं. तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग बनाते हैं. इसको बनाने के लिए जो है हमारे को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ. एक फरमे की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा जो है इस तरह की ब्लैक सीट की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह की एक सीट की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर क्या है, कमान ठड्डा आप लोगों ने देख ही लिया है. अब इसको जो है हम लोग इसको कमान ठड्डे को लगा करके दिखाते हैं आपको. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये डिज़ाइन की कटिंग करी थी, तो इस डिज़ाइन की कटिंग को हम लोग चिपकाएंगे. और डिज़ाइन की कटिंग को जो है हम लोग इस तरह से चिपकाएंगे. आप देखिए, इस तरह से इसको चिपकाया जाएगा. तो इसको चिपकाने के लिए क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, मैं आपको वो भी बता देता हूँ. इसको चिपकाने के लिए है हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है. जी हाँ फ्रेंड्स, पानी से चिपकता है ये, है ना अद्भुत चीज़. ये देखिए, मैं इसमें पानी मार रहा हूँ और इसको पानी से चिपका दूँगा. आप लोग भी सोचेंगे कि ये क्या अजीब बात है, पानी से कोई चीज़ चिपकता है. जी हाँ फ्रेंड्स, ये पानी से ही चिपकने वाली चीज़ है. फ्रेंड्स, इधर तो मैंने पानी मार दिया, अब इस पर भी पानी मारूंगा. ये देखिए, इस पर भी पानी मारना पड़ता है. और ये देखिए, इसका जो सीट है इसको खोलना पड़ता है इस तरह से, और खोल करके इसमें पानी मारना पड़ता है. इसका कोई रोल नहीं है. अब इसको मैं इसमें चिपकाऊंगा. और इसको चिपकाऊंगा कैसे, ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसको मैं इससे मिला करके चिपकाना पड़ेगा मेरे को. फ्रेंड्स देखिए, इधर वाला मैंने लगा दिया है और आपको शायद दिख रहा होगा. अब इधर वाला लगाना है, तो इधर वाले को भी पानी से वो करना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत इसको साफ़ भी कर ले ताकि इसके नीचे का डस्ट निकल जाए. डस्ट निकालना भी ज़रूरी होता है. इसको अगेन फिर पानी मारेंगे फ्रेंड्स हम. ये देखिए, यहाँ पर मैंने पानी मार दिया, और इधर भी पानी मारना पड़ेगा. ये अद्भुत चीज़ है फ्रेंड्स कि ये पानी से जुड़ता है. और ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारा पानी मार दिया. अब इसको इधर जोड़ दूंगा मैं, जैसे उधर का लगाया था वैसे इधर का भी लगा दूंगा. फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से इसको गीला करना ज़रूरी होता है. और ये देखिए, अब इसको मैं ऐसे करके इसके ऊपर रख करके इसको बैठा दूँगा. ये देखिए, जैसे उधर का बैठा है वैसे ठीक इधर का भी बैठाऊँगा मैं. ये देखिए, ये भी बैठ गया.
ये देखिए इस तरह से दिखेगा फ्रेंड्स। अभी इसको मैं इस पे कमांड ठड्डा लगा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले इसको पोछना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा गीला हिस्सा है इसको सारा के सारा पोछना पड़ेगा, और पोछने के बाद जो है इसके ऊपर हमारे को इस तरह से वाइपर चलाना पड़ेगा। ये वाइपर से सारा पानी निकाल दूंगा और इसको भी पानी इसके ऊपर जो जमा हुआ है वो सारा निकाल करके, देखिए दुनिया की अद्भुत चीज़ है फ्रेंड्स, ये पानी से जुड़ता है, कोई गोंद वगैरह की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए इधर का जुड़ गया, अब इधर का भी जोड़ देता हूँ मैं। इसका जोड़ने का तरीका यही है, इसके नीचे जो पानी होता है, पानी एंड एयर होता है, हवा और पानी होता है, उसको दोनों को ही निकालना पड़ता है, और फिर ये बिल्कुल इतना पक्का हो जाएगा कि अब इसको आप खोल नहीं पाओगे कभी भी। अगर आप लाख कोशिश करोगे इसको खोलने की तो भी नहीं खुलेगा फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है जब इसके अंदर से एयर एंड वाटर सारा निकल जाता है जो आपने पानी का स्प्रे किया था। तो ये देखिए अभी ये इसमें से निकल चुका है, बाकी अपने आप ही ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स पहले ही बता दूं आपको कि ये पतंग उड़ाने के लिए नहीं बना रहा हूं मैं, और इस तरह की पतंग मैंने बहुत बनाया और बहुत बार उड़ा करके दिखाया, लेकिन फ्रेंड्स ये मैं अपना खुद सजाने के लिए बना रहा हूं। और ये देखिए फ्रेंड्स इसका जो है, अब इसको हम लोग खोल देंगे फ्रेंड्स। अब इसका जो पूरा के पूरा जो हम ऊपर का कवर जो है इसको खोल रहे हैं, और ये देखिए खोलने से ये इस तरह से हो जाएगा, और ये देखिए इसको हमने पूरा ही खोल दिया, और खोल करके इसको पूरा पानी से गीला कर दिया। अब इसमें हम लोग कमान और ठड्डा लगाएंगे, और इसमें जो कमान और ठड्डा लगाएंगे फ्रेंड्स इससे अदृश्य पतंग बन जाएगा जैसे हमने पहले बनाया था, बहुत शानदार पतंग बनती है फ्रेंड्स, और बहुत मजबूत पावरफुल। ये भी हम रख लेंगे, ये काम आ जाएगा, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता, सब काम आ जाता है। उससे बहुत ख़तरनाक पतंग बनाऊंगा फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा पानी से और गीला कर देंगे, और गीला करके अब इसमें हम कमान और ठड्डा लगा देंगे, है ना फ्रेंड्स। ये अद्भुत तरीका नहीं है पतंग बनाने का, और हमने आपको पहले भी इस तरह का पतंग काफ़ी सारा बना करके दिखाया और उड़ाया भी है, पेच वगैरह भी लड़ाया है। तो चलिए इसमें अब हम ठड्डा लगा देते हैं, और ये ठड्डा देखिए पेंट किया हुआ ठड्डा है, कभी भी इसमें जो है आपका वो नहीं लगेगा, घुन वगैरह या दीमक वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा इसमें। और इसको यहाँ पे हम चिपका करके भी आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस पे हम लोग जो है ठड्डा लगाने लग रहे हैं, और सबसे पहले ठड्डे को लगाना है, और ठड्डे को लगाना किस तरह से, इस तरह से आपने ठड्डे को रखना है एकदम यहाँ पे, और ये एक टेप लेकर के चिपका देना है यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक टेप चिपका दिया, और एक टेप इधर चिपका देंगे बस। इसी से ही क्या है कि ये सेंटर में अपने आप ही जो है पकड़ लेगा, क्योंकि इसमें चपक बहुत ज़्यादा है, ये बाकी का बाकी हिस्सा पूरा के पूरा अपने आप ही पकड़ लेगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेप वगैरह नहीं लगाने की ज़रूरत है। अब हम जो है यहाँ पर जो इसका कमान लगाएंगे, और कमान इस तरह से लगाएंगे, ये देखिए कमान ऐसे लगेगा, कमान भी बिल्कुल एकदम तैयार है, बहुत जानदार कमान और ठड्डा है इसका, और चढ़ा करके लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी चढ़ी हुई कमान लग रही है, तो इसको भी हम लगा करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। इधर का लगा दिया, अब इधर का लगा रहा हूँ मैं, और इधर का भी लग गया, ये देखिए ये यहाँ पे लगा दिया मैंने, और जल्दी जल्दी मैं बनाना पड़ रहा है फ्रेंड्स, बारिश आने वाली हो रही है बहुत तेज, बिल्कुल बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और ये इसकी टिकली काट रखी है मैंने, और इसको भी अभी जोड़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए ये मैंने इस तरह से काट रखे हैं इसको, और ये अपने आप ही चपक जाएंगे फ्रेंड्स, और ये देखिए ये मैंने इसको लगा दिया है यहाँ पे, और इसी तरह से जो है सारा मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इधर का एक लगा दिया मैंने, और अब इधर का लगाने लग रहा हूँ, ये देखिए ये इस तरह से दूसरा लग गया, और ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बहुत पक्का लग रहा है, और ये कभी खुलेगा नहीं, अगर आप इसको कितना भी कोशिश करेंगे ये नहीं खुलेगा। अब मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स स्केल से 5 इंच दूर निशान लगाया है, और इस तरह का एक एक जो है यहाँ पे और लगाऊंगा मैं, और ये देखिए इस तरह से लगेगा ये,
अभी इसको भी आप मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारे के सारे लग गए और एक ये हेड पे भी लग गया है, हेड पे दूसरा लगाने लग रहा हूँ और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ बहुत भयंकर बारिश आने वाली हो रही है और जन्माष्टमी में ऐसे ही बारिश बहुत तेज़ होती है, आप लोगों को पता ही है। ये भी लगा दिया मैंने, अब ये पतंग जो है स्पीड से बनाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से बनाना पड़ रहा है मेरे को, और क्योंकि अगर एक बार बारिश भयंकर शुरू हो जाएगी तो फ्रेंड्स फिर ये जो हमारा प्रोग्राम में सारा के सारा ख़राब हो जाएगा। ऐसे ऑलमोस्ट बनी आया है, थोड़ा सा बाकी रह गया इसका, बस ये पूंछ लगा करके दिखाना है। तो ये पूंछ को लगा करके ये देखिए, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे लगेगा। ये देखिए इस तरह से ये पूंछ लगेगा और इसको लगा करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स पतंग मेरा पूरा बन करके तैयार हो गया है और इस पतंग के पीछे मेरा वो वाला पतंग है जो मैंने बनाया है। थोड़ा सा पार्ट उसका मैंने सीक्रेट रखा, आप लोगों ने ही दिखाया, क्योंकि वो मेरी पर्सनल कुछ बात थी तो इस करके आप लोगों को दिखाया नहीं उसको लगाते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स अब दिखा देता हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसको मैं थोड़ा सा छिपा करके बनाना चाहता था। और ये देखिए फ्रेंड्स पतंग पूरी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और ये पतंग मेरा कैसा लगा? इसको बहुत जल्दी जल्दी मैं बनाना पड़ा क्योंकि आसमान में पूरा एकदम काली घटा छा चुकी है और बहुत ज़बरदस्त बारिश होने वाली है, जिसको मेरे को 20-25 मिनट में पतंग को बनाना था, मुश्किल से मैंने 10 मिनट में इस काम को ख़त्म कर दिया। और डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स मैं इस पतंग को उड़ा करके कभी भी नहीं दिखाऊंगा, और क्योंकि ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पर्सनल है और ये मैं अपने ड्राइंग रूम के लिए बनाया है, इसको हम अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए बनाया है और इसको मैं ड्राइंग रूम के दीवार पर लगा दूंगा। देखिए बारिश आ गई, बिल्कुल पतंग बनते ही बारिश आ गई और जो ग्रीन कलर का आप सीट देख रहे हैं ये बिल्कुल यमुना का पानी का कलर ऐसा ही था जैसा ग्रीन कलर का, और ऊपर जो ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं दो डिज़ाइन डाली है, ये बादल हैं काले बिल्कुल एकदम घनघोर बादल है। और ये देखिए बूंदाबांदी ज़बरदस्त शुरू हो गई, अब मेरे को भागना पड़ेगा और इधर आकर के वीडियो बनाता हूँ सारी मेरी पतंग ख़राब हो जाएगी। फ्रेंड्स ये पतंग बन करके तैयार हो गई है और इसको बहुत जल्दी में बनाना पड़ा मेरे को, जिसको 20 से 25 मिनट टाइम लगना था फ्रेंड्स मेरे को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ा क्योंकि बहुत भयंकर बारिश आने वाली हो रही है और बूंदाबांदी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैंने देखिए यहाँ से सारा अपना सामान हटा लिया और हवा भी तेज़ चल पड़ी है। और फ्रेंड्स इस पतंग को मैंने उड़ाने के लिए नहीं बनाया है क्योंकि इसमें भगवान जी की फ़ोटो लगी हुई, आप देख सकते हैं भगवान जी की कितनी खूबसूरत फ़ोटो है। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। इस जन्माष्टमी को आप लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है सेलिब्रेट करें, इसको बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करें इसको आप लोग, और आपका घर और आपका परिवार पूरा हमेशा ही खुशहाल रहे, यही मैं कामना करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स ये पतंग जो है मेरी पर्सनल पतंग है, इसको मैं ड्राॅइंग रूम में लगा दूंगा, इसको कभी भी नहीं उड़ाऊँगा, और क्योंकि इसमें भगवान जी की फ़ोटो लगी हुई है, देखिए कितना खूबसूरत फ़ोटो है इसमें भगवान जी की। और फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो कैसा बना ज़रूर आप लोग कमेंट में आकर के बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।